हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स गुरु। मेरा नाम है आकाश चौधरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी विंडोज 7 को विंडोज 7 SP-1 पे अपडेट करें। अब सबसे पहले बात आती है SP-1 होता क्या है और विंडोज 7 SP-1 पे हमें अपडेट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल SP-1 होता क्या है, कैसे अपडेट करें और क्यों करें, ये सारे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपनी कंप्यूटर की राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। तो देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ देखें आप कि यहाँ पर आपको सिर्फ विंडोज 7 अल्टीमेट दिखेगा। आपको यहाँ पर ना ही कोई SP-1 या फिर कोई अलग चीज़ नहीं दिख रही है, तो सिर्फ ये विंडोज 7 अल्टीमेट है। तो देखो, अब ज़रूरत क्या पड़ी विंडोज 7 SP-1 को लाने की। तो देखो, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 प्रोफेशनल, ये एक विंडोज 7 है, मतलब विंडोज 7 है ये, ठीक है। ये इसके पार्ट्स होते हैं, विंडोज 7 अल्टीमेट, प्रोफेशनल, होम, ठीक है। तो SP-1 एक इसका बहुत ही क्रूशियल अपडेट है। मतलब विंडोज 7 जिनके पास है उनको SP-1 तो रखनी ही चाहिए, बिकॉज आपकी जो विंडोज 7 है उसमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज थी। तो उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने SP-1, SP-2, SP की फॉर्म होती है सर्विस पैक। तो सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, इस तरीके के अपडेट्स निकाले थे, जिससे कि आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। और उसके अलावा भी, मतलब आपकी विंडो है उसको स्टेबल बना दिया गया था। अब देखो, आपकी विंडो में खूब बढ़िया चलती है, मैं कोई नॉर्मल है, मेरे पास भी देखो बिल्कुल मेरे पास विंडोज 7 नहीं है, ना ही ये SP-1 है, ना ही SP-2 है, नॉर्मल विंडो है। बट देखो, आपको कई बार, मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपने काफ़ी सारे ऐप्स, आपने जब उनको आप ओपन करते होंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एरर शो करता होगा। ये तो पाइथन के लिए है। देखो, यहाँ पर आपको शो करा है विंडोज 7 सर्विस पैक 1 एंड ऑल एप्लीकेबल अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब विंडोज 7 सर्विस पैक 1 आपको चाहिए ही चाहिए उस चीज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो जब भी आपको ऐसे एरर्स मिलते हैं तो आप काफ़ी एनॉइंग लगते हैं, बिकॉज मतलब आप सोचते होंगे यार अब करूँ क्या मैं। तो देखो, अगर आपके पास में जेन्युइन विंडो है, मतलब आपके पास में CD है, आपने खरीदी है विंडो, तो आपको अपडेट उसमें मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलता ही होगा, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। बट अगर आपके पास में जेन्युइन नहीं है, आपने कहीं से पायरेटेड विंडो है या फिर आपने कहीं से ऐसी कॉपी वॉपी करके करी है, तो उसके लिए आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा मैनुअली। अब मैनुअली कैसे अपडेट करें उसे आप, तो देखो सिंपली आप अपने ब्राउजर में जाएं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज SP-1। तो देखो, SP-1 सर्विस पैक 1 होता है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है विंडोज 7 का, ठीक है। तो इससे मतलब कि सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट हो गया था और उसके अलावा स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका था, तो इसलिए सर्विस पैक 1 इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है SP-1 डाउनलोड। उसके बाद में आपको जो पहली जो लिंक मिलेगी ना, support.microsoft.com, दैट इज मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल लिंक मिलेगी, आपको वहाँ पर चले जाना है। उसके बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है। देखो, आपको माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की जेन्युइन वेबसाइट है ये। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक 1 SP-1। तो ये अब देखो, यहाँ पर एक नोटिस हो रहा है गाइज कि January 14, 2020 से विंडोज 7 मतलब कि ऑफिशियल तरीके से बंद कर दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि लोग चलेगी नहीं, कंप्यूटर्स में आप चला सकते हैं, बट लेकिन उसके अपडेट्स नहीं आएंगे, उसमें कोई भी पैचेस नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, January 14 से पहले पहले आप विंडोज 10 पर अपग्रेड कर लें, बिकॉज 8 तो इतनी प्रसिद्ध हुई नहीं, ना ही 8 कोई विंडो है, मतलब वो उसमें सिर्फ नाम की विंडो है। सबसे ज़्यादा मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसमें लुटी है ना, आप मान लो वो विंडोज 8 है। तो विंडोज 7 तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, बहुत पॉपुलर विंडो है। तो मैं खुद ही अभी से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है विंडोज 7 मतलब काफ़ी मुझे तगड़ी लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी विंडो है ये। विंडोज 10 भी सही है, बट लेकिन मुझे विंडोज 7 पसंद है, बिकॉज इसमें गेम्स वेम्स भी बहुत अच्छे से चलते हैं। ओके, तो मतलब कि आप इसका ध्यान रखें। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ से सिंपली नीचे चले जाना है। इसके बाद में आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं चीज़ों की, तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली करना क्या, आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद में आपको देखो यहाँ पर आपको लास्ट में विंडोज 7 देखो यहाँ पर आपको कुछ ही मिलेंगी है ना। आप इस पर क्लिक करें एक बार, और मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, रुको एक मिनट, अभी मैं ना आपको एक कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले। तो देखो, ये है हमारी सिस्टम अपडेट रीडिनेस। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप इसे करना चाहें इंस्टॉल तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको विंडोज 7 का सर्विस पैक इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है विंडोज 7 सर्विस पैक 1 डाउनलोड पेज। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद में आप इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा विंडोज 7 एंड विंडोज सर्वर 2008 R2 सर्विस पैक 1। तो फिर यहाँ से आपको करना है, आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रखूँगा बिल्कुल। उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं ऐसे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। अब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगे। अब आपको यहाँ से करना क्या डाउनलोड, आपको देखो ये सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है, ये मतलब कि पूरी विंडोज 7 के लिए चीज़ें मान सकते हो आप। आपको सिंपली अपने आर्किटेक्चर को देखना है,
x64 इंटू 64 या फिर इंटू 86। इंटू 86 ही हमारा 32 बिट आर्किटेक्चर होता है। तो देखो मैं पहले अपना चेक कर लेता हूँ, चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप अपना खोलेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिस्टम टाइप दैट इज 64 बिट, मतलब मुझे x64 वाला करना है। अगर आपको यहाँ पर 32 बिट दिखे तो आपको ये वाला करना है। तो मैं यहाँ से इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा और 903 इसकी साइज है, 903 MB का है, तो आपको 1 GB करीब डेटा रखनी ही रखनी है। और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये डाउनलोड का कंफर्मेशन पेज आ चुका है, यहाँ से अब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। देखो यहाँ से ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से मैं अपने IDM में स्टार्ट मोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अभी ये काफ़ी टाइम लेगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम लेगा, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। वो 900 MB का है, स्पीड बस ऐसे ही आ रही है, 300-400 KB की स्पीड आ रही है। तो मैं अब थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये पूरा डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मतलब कि आपको मैं अच्छे से कंप्लीट एंड तक, जब तक हमारी ये विंडो है जो कि अभी एक नॉर्मल विंडो 7 है, जब तक विंडो 7 SP-1 ना हो जाएगी, जब तक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो अगर आप में से कुछ बच्चे जो मतलब कि 11th क्लास का जो मेरा कोर्स है वो देख रहे हैं, तो उनको पता होगा मैं पाइथन की वीडियोस डालता हूँ। तो अगर उनके पास विंडो 7 है और उनको इंस्टॉल करने में इसको आइडियली को प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको मतलब कि विंडोज 7 SP-1 का अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो मैंने अभी तक बताया वो सब फॉलो करना है। देखो अभी यहाँ पर 38 मिनट्स लेगा, तो मैं सिंपली करता क्या हूँ, मैं इसे होने देता हूँ और मैं वीडियो कर देता हूँ अभी थोड़ी देर पॉज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी जो डाउनलोड वो कम्प्लीट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 903 MB की थी, ओके। तो मैं आप सिंपली करूँगा क्या, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ओपन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा गाइस, उसके बाद मैं आप ये देखते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रोग्राम नेम है इसका, तो हम सिंपली यस कर देंगे। मतलब आपको ना डाउनलोड कर लेना है उसे कंप्लीट, ठीक है ना, उस फाइल को जिसकी साइज करीब 900 MB थी। अगर आपका 64 बिट है आपकी विंडो, अगर 32 बिट है दैट इज इंटू 86, तो आपकी कोई 500 MB की मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर आप देखते हैं इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक 1, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी प्रिपेयर कर रहा है हमारे कंप्यूटर को। तो देखो अभी मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, आप सोचो कि मैंने बीच में कुछ कर दिया हो, नहीं, देखो अभी भी SP-1 नहीं है, अभी इसके इंस्टॉल के बाद में SP-1 हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली से मैं हटा देता हूँ इसको, बिकॉज फिर सीधी हमारी जो वीडियो बंद हो जाएगी। अब मैं इसे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, देखो हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होती है। यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लेती है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी यहाँ पर, ये थोड़ा सा टाइम लेगी बस। तो ये मतलब कि सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि मान लो आपके पास में अगर विंडोज 7 है, तो आप उसको मतलब एक उसमें SP-1 उसको आप अपडेट कर लो, और ये सबसे सही तरीका है, मैनुअल तरीका है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक ही झटके में करना पड़ेगा, अगर आप मतलब अपनी डाउनलोड को धीरे धीरे करना चाहते हो डाउनलोड, तो भी आप कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो आप देखो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट फोर विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ KB97 इसका वर्जन है, कौन सा अपडेट है, कौन सी नंबर का। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग करके आ रहा है, कुछ डाउनलोड कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहीं सोचिए नैर तो मेरी ऐसी ऑन है, बिकॉज मेरी ऑन ही रहती है, अदरवाइज यहाँ पर डाउन नहीं हो रहा है। जो आपके 900 MB का, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। तो अभी देखते हैं हम इसे कब तक इंस्टॉल होता है, ये डाउनलोड में इंस्टॉल। तो देखो अब यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है फिर से, तो आपको समझ में आ गया होगा आपको ये क्या करना है, यहाँ पर कैसे करना है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है microsoft.com पर, तो इसकी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे भी दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस लिंक पे जा सकते हैं सीधा। तो वहाँ से आप अपने अपने विंडोज़ के हिसाब से मतलब कि आपका 64 बिट है या 32 बिट है उसके कंपेटेबल में SP-1 डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से देखते हैं अभी हम कितना देर हो लेती है, ये थोड़ा वेट करते हैं हम जब तक पूरा इंस्टॉल होती है अच्छे से, बिकॉज इसके बाद में जो हमारा जो यहाँ पर ये आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर आपको SP-1 करके आ जाएगा फिर, बिकॉज वो अपडेट हो जाएगी फिर। और उसके बाद में आप मतलब जो आपका ये पाइथन का जो IDLE है, मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है जो SP-1 मांगता है, मतलब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि विंडोज 7 SP-1 हो, तो देखो अभी फेल आ रही है, तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो इस चीज़ की। सिंपली से बंद कर देता हूँ अभी, हम थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर जब तक ये इंस्टॉल होती है, बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा हल्का सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है गाइज, इसलिए अब मैं
वीडियो को मैं पॉज इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज फिर मतलब कि लगता है कि यार लूप हुई है वीडियो में तो फिर कुछ कर दिया हो बीच में। नहीं, मैं आपको सही तरीके से जेन्युइन तरीका सिखाता हूँ। बिल्कुल आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पर जो भी चीज़ डाली है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब कि मैंने कुछ भी आपको फेक नहीं सिखाया है, वो 100% वर्किंग चीज़ें ही है। ये भी 100% वर्किंग तरीका है, बिल्कुल ऑफिशियल वे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई इलीगल चीज़ कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ऑफिशियल तरीका है। माइक्रोसॉफ्ट खुद इसको बताता है कि ऐसा ही करो आप। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, एक वीडियो में आपको समझा दूं SP-1 होता क्या है और आपको इसे इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ जब तक इंस्टॉल होता है। मैं थोड़ा रिफ्रेश करते हैं एक बार जब तक ये होता है, बिकॉज़ यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, 900 MB का सिर्फ अपडेट है, तो आप सोच लो काफ़ी सारी चीज़ इसमें अपडेट होंगी, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेता है, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं लेता है वैसे। ओके, तो हम थोड़ा और वेट करते हैं अभी। फिर इसके बाद में आपका कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना आपको जरूरी होता है, बिकॉज रीस्टार्ट के बाद में ही जो आपके चेंजेस है वो इफेक्ट में आते हैं। तो देखो अभी तक तो ऐसा ही है क्योंकि अभी तक रीस्टार्ट हुआ नहीं है, अभी तो ये पूरा इंस्टॉल भी नहीं हुआ, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में, मतलब इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, फिर उसके बाद में ये सारे चेंजेस है वो इफेक्ट में आ जाएंगे और उसके बाद में फिर हम अपने हमारी विंडो है वो विंडो 7 SP-1 बन जाएगी बिकॉज वो अपडेट हो चुकी होगी। तो मैं थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है कुछ ज़्यादा ही गाइज, एक दो तीन मिनट हो गए इसको होते होते। मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा पॉज कर ही देता हूँ, जब मतलब ये थोड़ा लास्ट में आएगा उस टाइम पर मैं वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कर दूंगा। तो गाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है रीस्टार्ट का, तो यहाँ पर मुझे रीस्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ, रीस्टार्ट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या चेंज देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में दिखा देता हूँ, देखो अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, अब रीस्टार्ट के बाद में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं अभी वीडियो को पॉज करके एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर को। तो वैसे आपको रीस्टार्ट के टाइम पर आपको कुछ इस टाइप से कॉन्फ़िगरिंग सर्विस पैक करके दिखेगा, जिसके अंदर आप मतलब कि पूरा रिस्टार्ट होगा आपका कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, 30% सीधा 100 हो चुका है और अब यहाँ से शटडाउन हो गया कंप्यूटर। देखो यहाँ पर रिस्टार्ट होता है, गए रिस्टार्ट के बाद में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कंप्यूटर में कि कैसे क्या चेंज देखने को मिले हैं मुझे। तो मैं सिंपली थोड़ा वेट करता हूँ जब तक ये रिस्टार्ट होता है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ विंडोज़ स्टार्टिंग विंडोज़ करके आ रहा है और मैं आपको अभी दिखाऊंगा अच्छे से कि क्या चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं आफ्टर रिस्टार्टिंग। मतलब कि हमारा जो विंडोज़ 7 का SP-1 है, दैट इज़ सर्विस पैक 1, वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है वैसे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर दोबारा से हो रहा है प्रिपेयरिंग कॉन्फ़िगरिंग सर्विस पैक। देखो यहाँ पर 30% था, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो चुका है, उस टाइम पर ये बंद हो गया था बिकॉज मतलब कि रिस्टार्ट से पहले जितना काम था वो सब हो गया, अब रिस्टार्ट के बाद में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100% तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 70% हो चुका है, ये वो काफ़ी स्पीड से हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ये कॉन्फ़िगर करता है, चेक करता है कि हर चीज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर 74, 76, 78, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से 89 हो गया, 92, 100। तो अभी देखो वेलकम स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पर विंडो 7 की हमारी, अभी देखना है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है अच्छे से हर चीज़, इसमें अभी कोई बची नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सीधा आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पर पॉपअप आ रहा है विंडो 7 सर्विस पैक इज नाउ इंस्टॉल्ड, आपको सिंपली यहाँ पर क्लोज पे कर देना है। अब मैं आपको सिंपली कर यहाँ से अपने कंप्यूटर को दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली करके इसमें प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ के बाद में अब मैं आपको देखूँ यहाँ पर, देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर सर्विस पैक 1 पहले नहीं था, अब आ चुका है। और मैं आपको एक बार एक पाइथन जो मैं बोल रहा था आपसे कि इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो मैं इस पर सिंपली डबल क्लिक करूँगा। तो देखो अब यहाँ पर इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल नाउ का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से मतलब कि आप आराम से SP-1 है उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करी है मैंने। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स गुरु, गुड बाय।